राजधानी रांची में चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि पिछले कई दिनों से चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। अलग अलग इलाके में चोर बंद घर को निशाना बना रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं माता वैष्णो देवी नगर में, जहां कटहल मोड़ जाने वाले इलाके में ये नगर पड़ता है माता वैष्णो देवी, और यहाँ पर भी एक बंद घर को चोर ने निशाना बनाया और लाखों के जेवरात लेके इस घर से चोर उड़ गए हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ। आप ही इस घर के लैंडलॉर्ड हैं? जी जी, हम ही हैं। ये कल रात में मुझे पता चला कि यहाँ पे मैं था नहीं, तो ये ताला को तोड़ के अंदर जाके सारा ताला, मतलब तीन चार ताला थे, सारा ये ताला नहीं टूटा तो इसको मार के तोड़ दिए, और अंदर का लॉक वॉक सारा यहाँ पे देख रहे हैं, जितना ताला ये सब था सबका पूरा हल करके छोड़ दिए। सारा लिंक का ताला था ओरिजिनल, ऐसा नहीं था कि नहीं टूटा तो गेट तोड़ के फिर अंदर आए। आइए अंदर बता रहे हैं। तो देखिए, इसी कमरे में चोर पहुंचे और यहां से लाखों के जेवरात लेके उड़ जाते हैं। किस प्रकार से, क्या क्या था आपके गोदरेज में? गोदरेज में सारा इम्पोर्टेंट, अभी मेरा जस्ट शादी ही हुआ था, 3 मंथ हुआ था, तो सारा जितना गहना था वो सारा यहीं पे छोड़ के गए थे। हम लोग सोचे सेफ्टी ज़्यादा है यहाँ पे, और इसको अच्छे से रखे थे। और कवर्ड में यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये सब उखाड़ लिया है सारा। ये लॉक इसमें था, पैसा वैसा इसी में था, ये सब सारा, ये सामान वान सब बिखरा पड़ा था, ये तो अभी हो गया। और ये दीवान था। हम लोग भी कुछ हिसाब से सोचते हैं कि चोर लोग बहुत सातिर होते हैं, तो हम लोग अपना दिमाग लगा के सोचे कि दीवान के अंदर में रखेंगे अपना सारा जेवर, 10-12 लाख के जेवर थे, तो हम लोग सोचे दीवान के कोने में रखते हैं, दीवान में कौन देखेगा। तो पता चला कि सबसे पहले दीवान में ही अटैक किए हुए थे। ये दीवान में भी आप लोग का जो जेवरात था, जैसे ऐसे दीवान, ये भी बहुत हेवी दीवान था, जिसमें तिलक में ऐसे ही जो शादी में जो नॉर्मल जो आते हैं बर्तन वर्तन, सारा इसमें था। इसमें से आधा से अधिक गायब हो गया। इसी के अंदर में बेड के उस कोने में रखे हुए थे सारा जेवर, एक डब्बा में करके, झोला में करके, सारा गायब है, कुछ नहीं है। और अब क्या बोले, कुछ है। ये समझना चाहेंगे कि कितने दिन से आपका ये मकान बंद पड़ा था? बंद ऐसा बंद नहीं है कि बंद रहता है, हर एक वीक में एक दो बार रहना ही है, रहते ही हैं। अभी जस्ट एक दोस्त का शादी के लिए लड़की देखना जाना था, तो आप लोग कहीं शादी समारोह में गए? हाँ, शादी समारोह। रेगुलर इसी घर मकान में रहते हैं? हाँ, रहते हैं, हमेशा रहते हैं। हर और थोड़ा काम भी रहता है, थोड़ा साइड का काम रहता है, तो हमेशा आना जाना लगा रहता है, लेकिन वही रेकी करके या जो करके। सीसीटीवी कैमरे अगल बगल हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं, तो फिर आप लोग को भी अपडेट देंगे कि अगर कुछ संदिग्ध अगर पता चलता है तो। अच्छा, आप लोग को घटना कब की है? आप लोग जिसे कि कई दिनों से बाहर थे। आज ऐसा हुआ कि कल बगल में एक भाभी हैं, वो अपने हस्बैंड को फ़ोन किए कि ये लोग आए हैं, शायद दरवाज़ा खुला हुआ है, तो 11 बजे ही दरवाज़ा खुला वो लोग देखे थे। तो फिर हमको कॉल किए भैया कि दरवाज़ा खुला हुआ देखे हैं, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि अभी तक देखे नहीं, दरवाज़ा हिल रहा है। तो हम लोग बोले कि ऐसा तो नहीं है, दरवाज़ा सारा, जितना दरवाज़ा है बालकनी का, सब में ताला लॉक करके गए थे। तो फिर बोले, तो फिर हम बोले कि जाके एक बार देखिए। तो भाभी, क्योंकि भैया लोग तो जॉब में थे, वो आके देखे तो ताला लटकाया हुआ था केवल हुक पे, और सब तोड़ा हुआ था। तो भैया लोग को ही बोले, हम लोग को वहाँ से आने में 2 घंटा लगा, तब तक बगल में अंकल लोग को बोले कि जाके थोड़ा देखिए, सैटरडे था तो उनका छुट्टी था, तो वो आके देखे तो ये सब सारा बिखरा पड़ा था, पूरा सामान, यहाँ एक भी सामान सही से नहीं था वो तो। और वहाँ जेवर, तो सबसे पहले जेवर ही सब गायब हो गया। कितने का जेवर था लगभग? लगभग जो बिल के हिसाब से है तो 11 लाख के अप्रोक्स है, और शादी में तो आपको भी पता है देने लेने वाला आदमी तो बहुत। कुछ कैश भी था क्या? कैश अप्रोक्स 29-30 हज़ार के लगभग कैश था, वो तो इसमें था। और कुछ सामान लेके गए? हाँ, एक टेबल फैन भी लेके गए, पता नहीं क्यों लेके गए, टेबल फैन छोटा सा एक था, वो पुराना ही था, वो भी लेके गया। और तो ऐसा कुछ अभी तक समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि रात में अगर पता चल रहा है कि फैन गायब है, जब गर्मी लगा सोचे फैन चलाएंगे तो फैन नहीं दिखा। अच्छा, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि आप इस घर में रह रहे हैं, मतलब कुछ दिन आपको किसी के ऊपर संदेह लग रहा था कि हमारे घर की कोई रेकी कर रहा हो, आन जान कर रहा हो, इसके ऊपर टारगेट किया गया हो? नहीं भैया, ऐसा टारगेट कैसे कर सकते हैं, शादी में तो इतने लोग आए हुए थे, अब सब तो अपने हैं,
और किसी पे शादी के बाद, उसके बाद लग शादी रहा के हो कि बाद पिछले भी कुछ दिनों से अगर ऐसा कोई अनजान व्यक्ति आपके घर के इर्द गिर्द घूम रहे हो, ऐसा नहीं है ऐसा कभी यहाँ आप लोग पे। महसूस किए? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, लेबर क्लास के लोग बहुत ज़्यादा हैं, इधर हैं इधर हैं, इधर बहुत बड़ा अपार्टमेंट भी बन रहा है इधर, तो हो सकता है किसी के मन में होगा वैसा। लेकिन ऐसा कि वो लोग गोल्ड ही चोरी करने के लिए आए थे, वो लोग हम लोग आए तो देखे यहाँ पे कि फ्रिज में से पेड़ा वेड़ा जो था खाने का वो सब भी खा के वो लोग गए हैं आराम से, मतलब चोरी किए हैं। अगल बगल भी नहीं पता चला है, नाइट था, बारिश था, सब लोग बोल रहे थे तो ऐसे नहीं पता चला। और जो पेड़ा वेड़ा जो बिखरा के भी गए थे वो सबका टेम्परेचर से पता चल रहा था कि कल परसों रात का ही चोरी हुआ था, ठंडा था सारा चीज़, पानी वानी पी के सब अच्छे से चोरी करके फिर अच्छे से गए हैं। मतलब पूरे और आराम देखिए से इस कि घर को खाली किया गया है। हाँ अच्छा, ये समझना चाहेंगे कि अभी तक तो जो चोरी का मामला सामने आया है, इससे पहले भी आपके इलाके में क्या चोरी हुई है किसी हाँ घर में क्या? हाँ तो कल ही जब ये इतना होने के बाद अपना अपना ये सब खुल रहा था कि 7 साल पहले भी मेरा इतना ताला 14 ताला तोड़ के ले गए, ये अच्छा, लेके हाल के गए। दिनों में, अगर 7 साल पहले तो बहुत नहीं दिन। हाल फिलहाल में तो छोटा मोटा गैस सिलेंडर चोरी होना, ये होना छोटा मोटा तो सुन ही रहे थे। अभी पड़ोसन के पास कुछ चोरी हुआ है तो कुछ वीडियो भी देखे हैं, तो वो भी बहुत इसी 9 तारीख को शायद चोरी हुआ है, तो उसका भी वीडियो दिखा रहे थे इधर उधर के लोग। तो है मतलब एक्सपीरियंस वाले हैं चोरी चोरी करने वाले, और क्या बोला जा सकता है। अच्छा, अब ये प्राथमिकी दर्ज हो गई है अब? हाँ अभी अभी जस्ट अभी करके आए, क्योंकि कल तो रात हो गया था तो पुलिस वाले आए थे ऐसे ही और वीडियो वीडियो बना के लेके गए थे, तो फिर अभी हम लोग प्राथमिकता जो है वो दर्ज करके आए कौन से थाने हैं। में? ये टीओपी में किए पुना पीओपी। हैं जी, अभी वो शायद कहीं जगन्नाथपुर थाना जाएगा, उसके बाद वो सारा रिपोर्ट फिर हमको एक कॉपी मिलेगा तो वो हम आपको कॉपी दिखाएंगे। A to Z अपडेट कर दिए हैं, जो जो चीज़ चोरी हुआ है मेरे पास सारा बिल भी है। यहाँ पे चोरी की समस्या रोज़ बढ़ते जा रही है। पेट्रोलिंग गाड़ी को कम से कम रात में एक बार घूमनी चाहिए, यहाँ देखनी चाहिए क्या यहाँ का स्थिति है। रात में 12 बजे 2 बजे आदमी आता है, क्यों आता है, उससे थोड़ा इंक्वायरी लेना चाहिए। आइंदा ऐसा नहीं हो, पुलिस इस पर सतर्क हो, ध्यान से देखे, काम करे। चोरी हुआ है इसका छानबीन किया जाए, जिसका गहना गया है उसको ये किया जाए, जाँच करके उसको दिलाया जाए कहीं से भी। ये थाना का काम है और इसमें पूरा बढ़िया से इसमें जांच किया जाए। नहीं, जैसा ही लोग बताया कि चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं, बिल्कुल बढ़ गई हैं। पिछले एक महीना में मुझे लगता है कि 3 जगह इस तरह का घटना हुआ है। 2 जगह तो सिलेंडर चोरी हुआ है कॉलोनी में ही। अभी देखिए, इनके घर में गहना सब चोरी हो गया है। तो ज़रूर पुलिस का गश्ती बढ़ाना चाहिए कॉलोनी में, और प्रशासन को ज़रूर ध्यान देना चाहिए ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। हाँ फर्स्ट में देखे पूरा दरवाज़ा टूटा हुआ है, सब लॉक टूटा हुआ है, उसके बाद पूरा बिछौना से ले के जितना दीवान वगैरह खोल के सब सामान लेके चला गया है। अलमीरा टूटा हुआ है और फ्रिज खुला था, ये सब। तो फिर आप ही लोग इन्फॉर्म किए थे? हाँ हाँ हम ही लोग इन्फॉर्म किए। हाँ चोरी हो गया, चोरी हो गया। हाँ इससे पहले भी आप लोग कोई अनजान व्यक्ति को आपके मोहल्ले में? अनजान व्यक्ति तो बराबर आता है, लेकिन हम लोग पहचानते थोड़े हैं। लगातार लगता हुआ कि कोई इतना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैंने कोई नहीं किसी पर कैसे हम लोग संदेह करेंगे। यहाँ तो इतना ना काम हो रहा है अपार्टमेंट का, हर जगह काम हो रहा है, जो कौन आ रहा है कौन जा रहा है कोई पता नहीं चलता है। माता वैष्णो देवी नगर आए दिन यहाँ चोरी की घटना होते रहती है। हम लोग यहीं अपने मोहल्ले वासी हैं, और पर डे 2-4 दिन पर कुछ ना कुछ किसी ना किसी के घर में चोरी कर जाता है। ना प्रशासन का ध्यान है, ना किसी तरह का कोई भी ध्यान किसी को नहीं है। जी अच्छा, मतलब पहले भी इस इलाके में? जी जी बहुत बार ऐसा इलाका में हुआ है। तो देखिए, एक बंद घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है, और यहाँ से लाखों के जेवरात लेके चोर यहाँ से उड़ जाते हैं। इसके बाद क्या चोरी पर लगाम लगाने में रांची पुलिस सफल हो पाती है कि नहीं, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या मानी जा रही है। पुलिसिया कार्रवाई के ऊपर सवाल तो ज़रूर उठ रहे हैं पिछले कई दिनों से। या दुकान की बात कर ले या मकान की बात कर ले, चोर निशाना बनाते और यहाँ से जेवरात कैश लेके उड़ने में सफल हो जाते हैं। तो क्या पुलिस इन चोरों को पकड़ने में कामयाब हो पाती है कि नहीं, यह काफी अहम सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।